प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने फीस ना भर पाने के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रहने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कड़ी चेतावनी दी है। वर्षा गायकवाड़ ने शिक्षा अधिकारियों को गैर कानूनी कृत करने वाले स्कूलों को मान्यता रद्द कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से 7 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की बात वर्षा गायकवाड़ ने की है, जिसको लेकर भाजपा विधायक अतुल भातलकर ने उनपे तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आज ऐलान किया है कि हम मुंबई और नई मुंबई के 8 स्कूलों की एनओसी खारिज करेंगे। मैडम, एनओसी खारिज करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो सही में आपने अभी तक अध्यादेश निकालकर फी में 50% कटौती लाने की आवश्यकता थी, लेकिन आप वो कानून में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं, ना स्कूल को मदद करने के लिए तैयार है। ये तो एनओसी खारिज करने का ऐलान ये सिर्फ और सिर्फ लिपापोती है। आप अध्यादेश निकालो, 50% फी कम करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।